मेरा नाम सौरभ है और ये मेरे फादर हैं, इनका नाम रईलाल वर्मा है। इनको क्रिएटिनिन की किडनी की क्रिएटिनिन बढ़ता चला जा रहा था इनका। आज से 6 महीने पहले हमें पता चला कि इनको किडनी की परेशानी है, तो उस समय क्रिएटिनिन इनका 7-8 था। हम वेदांता गए, वेदांता में डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बताया, डायलिसिस, और उन्होंने ये कहा कि अभी इमरजेंसी इमरजेंसी आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर हमें यहाँ बी के आरोग्य का रेफरेंस से पता चला। यहाँ हम आए, यहाँ पर आने से पहले इनका क्रिएटिनिन था तो 14.73। उसके बाद यहाँ 10 दिन डेली ट्रीटमेंट हुआ, 10 डेली ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद इन्होंने जो इनकी इनके अनुसार ही इन्होंने अपना परहेज रखा। उसके बाद जो 10 दिन के बाद हमारा आज इनको बहुत तकलीफ़ है। पहले मैं आने से पहले इनको वोमिटिंग वगैरह होती थी, तो अब वो वोमिटिंग वगैरह बंद हैं। और इनका जो क्रिएटिनिन है वो 10.53 है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि 6-7 तक लेकर आए। इनकी एज है 60 ईयर है और हम हाथरस से हैं। आयुर्वेदिक एलोपैथ पे तो कोई इलाज है ही नहीं ना डायलिसिस के सिवा। डायलिसिस को इलाज भी नहीं है, डायलिसिस को इलाज भी नहीं है और डायलिसिस के सिवा कोई इलाज भी नहीं है इसके लिए। इसलिए आयुर्वेदिक सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसमें इन्होंने एलोपैथिक की सारी दवाइयाँ जो हमारी पहले से चल रही थी, डायबिटीज़ की, बीपी की, इंसुलिन लेते थे दिन में 4 बार, वो बंद करा दी। इंसुलिन लेते थे वो भी बंद हुआ, और बाकी जो है और मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी दवाई बंद हो गई इनकी, बीपी की, थायराइड की, और उन्होंने सारा जो अपना आयुर्वेदिक का ही ट्रीटमेंट चला रहे हैं। यहाँ के डॉक्टरों का जो में डॉक्टर अच्छे हैं और इनके जो ट्रीटमेंट है ये भी अच्छा है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप परिहार है और ये मेरे फादर हैं नरसिंह परिहार। इनकी आयु 54 वर्ष है। जब हमें पता आज से 3 मंथ पहले पता चला था इनको किडनी की दिक्कत है, तो हमने ने एलोपैथ में इनका इलाज कराया, तो डॉक्टरों ने हमें डायलिसिस की सलाह दी, तो हमने इमीडिएटली डायलिसिस स्टार्ट करवा दिया। तब डॉक्टर ने हमें इनकी हफ्ते में 2 बार डायलिसिस की सलाह दी थी। उसके बाद उससे इनको आराम नहीं मिल रहा था, तो हमें हमारे एक फ्रेंड से पता चला कि बीके आरोग्यम पे किडनी का इलाज होता है और वह डायलिसिस बंद करा देते हैं। तो हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा लगा और अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। अब पिछले बीते 10 दिनों में इनकी 1 डायलिसिस हुई है और क्रिएटिन लेवल बनना कम हुआ है। 23 डायलिसिस हुई थी पहले, हफ्ते में 2 डायलिसिस होती थी। के लास्ट से बहुत फ़ायदा मिला है, यहाँ पर आकर 1 डायलिसिस हुई है 10 दिन में। अभी तक तो एलोपैथी यूज़ करते थे, पहली बार हम यहाँ पे आयुर्वेदा में आए हैं, तो मेरे को ये उससे बेटर लगा, क्योंकि ये वो बीमारी भी सही कर सकता है जो एलोपैथ वाले नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को लगता है अगर किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो यहाँ ज़रूर आए। यहाँ पे उसका जड़ से इलाज होता है, डायलिसिस बंद करा दी जाती है। मेरा नाम सुनीता देवी है, मेरा घर है रांची। रांची से मतलब 1 घंटा लगता है और रातू स्थानीय घर है। मेरा बेटा का सबसे पहले मैं इसको बुखार हो गया था। मेरा बेटा का नाम है अनुराग राम, उम्र है 15 वर्ष। इसको बुखार हो गया था तो बस ऐसे ही घूमने आ रहे थे, गांव में घूमने आते हैं रोज़। वो डॉक्टर से दिखाए थे, पूछे थे, तो उन्होंने बताया कि इनका ब्लड कम है, तो उन्होंने दवा दी थी 15 दिनों की दवा दी थी। उसमें भी हमको कुछ नहीं बुझा रहा है, इसका कुछ कम होने का सुलूक नहीं दिख रहा था। तो हम इसको रिंची ट्रस्ट हॉस्पिटल ले आए, वहाँ सब कुछ जब इसका जाँच उच किया गया, ब्लड जाँच हुआ, क्रिएटिनिन जाँच हुआ, यूरिया जाँच हुआ, तो ब्लड उस टाइम उसका 4 पॉइंट था, फिर क्रिएटिनिन इसका 14 बढ़ गया था। तो फिर दवा पे दवा ही चलने लगा, वहाँ दवा से ही सर वहाँ बोले कि इसको डायलिसिस कराना पड़ेगा। डायलिसिस कराना था हमको, डायलिसिस नहीं कराने के चलते सर हमको फिर रेफर कर दिए रिम्स में। हमने एडमिट करके हम अशोक कुमार वैद्य के पास वहाँ दिखाए, वहाँ के सर ने भी
जांच किया, ब्लड जांच और क्रिएटिन जांच, वहाँ भी प्रोटीन ही था क्रिएटिन। वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला कि डायलिसिस कराना पड़ेगा, डायलिसिस कराने के लिए एडमिट करो बोल के वहाँ बोले थे। तो हम लोग वहाँ से दवा ववा ले लिए और डायलिसिस ना कराने के चक्कर में हम वहाँ से भी घर ले गए। घर ले जाने के बाद जब वैक्सीन का दवा लगाने के लिए दिए थे, वैक्सीन हम उनको दो वैक्सीन लगाए, उसमें इसका शरीर पर पूरा ये कैसे बोले यानी फुंसी फोड़ा होने लगा, तो हम उसको बंद करवा दिए। यहाँ के बारे में तो मैंने अपना बहन को जब मैं बताई कि मेरा मतलब बाबू का ऐसा ऐसा है, क्रिएटिन बढ़ गया, तो बोली कि रिपोर्ट भेजो बोल के, तो उसको हम लोग रिपोर्ट व्हाट्सएप के द्वारा किए। मेरी बहन ने जब यहाँ का यूट्यूब के द्वारा यहाँ के बारे में पता कर की, फिर वहाँ हम लोग वहाँ एक डायलिसिस करा के फिर वहाँ से 20 दिन डायलिसिस कराए, 6 को डायलिसिस कराए और 6 को ही हम लोग वहाँ से यहाँ के लिए आए। 7 को यहाँ पहुँची हम लोग, 7 को जब यहाँ सर देखे उस टाइम इसका शरीर पूरा कंकाल की तरह था, वजन भी बढ़ 3.8 मतलब 38 था इसका वजन। अभी जब यहाँ आने के बाद 10 दिन जब ट्रीटमेंट किए करवाए यहाँ, ट्रीटमेंट करवाने के बाद इसका शरीर भी बहुत भर गया और डायलिसिस भी जो सप्ताह में 3 डायलिसिस होती थी वो सप्ताह में हमको 1 भी डायलिसिस नहीं कराना पड़ा, 10 दिनों में 1 भी डायलिसिस हमको कराना नहीं पड़ा। और अभी तो मेरा बच्चा भी स्वस्थ हो गया, पहले जो शरीर था जो कंकाल शरीर था ना उसमें पूरा मेरा बच्चा स्वस्थ हो गया। बाकी लोग को तो हम राय देना चाहते हैं कि जिसका भी किडनी प्रॉब्लम हो हर डायलिसिस से बच के अगर बचना है तो यहीं से ट्रीटमेंट कराए। हर अंग्रेजी दवा से ट्रीटमेंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट तो है ये कि आयुर्वेदिक दवा से जो हम लोग 10 दिन में फ़ायदा मिला तो यही कराना चाहिए, यही राय दूंगी मैं।